आज की डेट में कोई है दुष्यंत के साथ? और गुरुग्राम लोकसभा मुझे लगता है भारत में सबसे अच्छी वोटों से हम विजयी प्राप्त करेंगे। राज बब्बर जी बूढ़े हो चुके हैं भाई साहब, अब राज बब्बर जी को तो देखो सेल्फी लेने के लिए तो हो सकता है कोई भी चला जाएगा वहाँ पे, लेकिन वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही आएगी। देखो राव इंद्रजीत के सामने किसी की कोई फाइट नहीं चलती, इधर राव इंद्रजीत को तो कई पहले से चलवा है क्षेत्र में। राज बब्बर जी तो बाहर से आए पता ही ना, राज बब्बर जी ने तो कभी आज तक इस फील्ड का पता भी नहीं, पूरी विधानसभा लोकसभा का किसी विधानसभा का गांव के बारे में नहीं पता होगा। तो जी नमस्कार, K9 मीडिया में आपका स्वागत है, मैं आपका दोस्त रोहित लांबा। अभी हम लोग गुड़गांव बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हैं, यहां पर हमारे साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल यादव जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे चुनाव के बारे में क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। और बीजेपी का ये ऑफिस है, यहाँ पर सारे लोग मीटिंग हुई अभी भी। कमल जी स्वागत है चैनल। थैंक यू सो मच। कमल जी चुनाव आ गया, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, 15 दिन रह गए महज? देखिए तैयारियां तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात तैयारियों में ही लगा रहता है, और हम तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, और चुनाव हो ना हो हमेशा समाज के साथ रहता है, समाज के बीच में रहता है। तो उसी प्रकार से तैयारियां रूटीन में चल रही है, चुनाव है निश्चित रूप से, और अधिक मेहनत कार्यकर्ता कर रहा है। आज पूरे जिले के अंदर 4 विधानसभा हैं, चारों विधानसभा की बैठकें मैंने विधानसभा में जाकर के ली हैं। सुबह सोना के अंदर 10 बजे बैठक ली, उसके बाद पटौदी के अंदर थे हम बैठक के अंदर, फिर शाम को 3:30 बजे बादशाहपुर के अंदर थे, और 5:30 बजे गुरुग्राम विधानसभा की हमने बैठक लिया। और कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह है, जोश है, और कार्यकर्ता अपने अपने बूथ के ऊपर डोर टू डोर भी कर रहा है। 5 तारीख को हमने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया था, उसकी आज रूपरेखा, उसके बारे में फीडबैक भी लिया, बहुत अच्छा फीडबैक आया है, और निश्चित रूप से अच्छा काम कार्यकर्ता कर रहा है। राव इंद्रजीत जी सामने हैं, और सामने प्रत्याशी जो हैं वो राज बब्बर हैं, कैसा मुकाबला मानते हैं? देखिए बात रही प्रत्याशियों की, तो मेरा मानना सिर्फ एक ही है, राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ में विकास जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, और एक तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ आप देखेंगे एंटरटेनमेंट है। अब पब्लिक को तय करना है, और पब्लिक तय कर चुकी है, पब्लिक को डेवलपमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट तो टीवी वगैरह पे देख ही लेते हैं। पिछली बार राव साहब यहाँ से 3,86,000 वोटों से जीत के निकले थे, कैप्टन अजय यादव उस टाइम कैंडिडेट थे, इस बार क्या लग रहा है, कैसा रहेगा मुकाबला? मुझे लगता है कि इस बार हम बहुत अच्छे मार्जिन से और भी अधिक मतों से जीतने वाले हैं, और मेरा मानना है जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और वोटर्स के अंदर उत्साह है, मुझे लगता है पिछली दफ़ा जो वोटें थी उनसे बहुत अधिक वोटों से हम जीतेंगे, उससे भी ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा एक और मसला अभी कल से चला हुआ है कि जो हरियाणा सरकार है उस पर कुछ बातें चल रही हैं, 3 विधायकों ने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया है, उस पर किस तरह की बातें चल रही हैं पार्टी में? देखिए 3 विधायकों का एक तो अभी कोई लिखत में ऐसा नहीं मूजबानी सुनने में आ रहा है इस तरह का। दूसरा बात रही कि हरियाणा के अंदर जब माननीय नायब सिंह सैनी जी ने पदभार संभाला था एज ए मुख्यमंत्री, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को अब 6 महीने के बाद वो लेके आ सकते हैं। मेरा मानना है उनको फिर भी लगता है विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस लाए, हम अपने आप बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई मैं अपना जो समर्थन है वो कांग्रेस को देने को तैयार हूँ, वैसे समर्थन गठबंधन नहीं करूंगा लेकिन समर्थन दे दूंगा। वो दुष्यंत जाने, दुष्यंत का काम है, वो उनकी पार्टी का, वो समर्थन देते हैं तो फिर सरकार खतरे में है। आपको लगता है दुष्यंत के साथ अभी कोई है, आज की डेट में कोई है दुष्यंत के साथ? नहीं जाएंगे उनके साथ, आपको पता है सारा। अच्छा सेंटर में क्या मामला मानते हैं इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार? नरेंद्र मोदी जी देश का मूड आप देखेंगे तो 400 पार, और एनडीए की सीटें 400 पार सीटें आ रही हैं निश्चित रूप से। 3 चरण कंप्लीट हो गए, क्या स्थिति है भाजपा? बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है, आप देखेंगे बहुत कंफर्टेबली सारी सीटें हम बहुत आसानी से जीत रहे हैं, और आप सबके सहयोग से, आप तो पत्रकार हैं और आप लोगों ने भी देखा माहौल जानते हैं, और आपकी हंसी बता रही है कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। शुक्रिया। हाँ जी सर क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत अच्छा। रामेंद्र जी अच्छे मार्जिन, 7 लाख प्लस, 7 लाख प्लस वोट जीते, पिछली बार लगभग 4 लाख वोटों से जीत के निकले, पिछली बार 7 के आसपास जीते, 7 के आसपास जीते निकले। जी जी आओ जी। हाँ जी सर ये अध्यक्ष गुड़गांव जी, भैया सर क्या माहौल है लोकसभा में चुनाव का? माहौल बहुत अच्छा है, और गुरुग्राम लोकसभा मुझे लगता है भारत में सबसे अच्छी वोटों से हम विजयी प्राप्त करेंगे। अच्छा। क्योंकि राव साहब के जो काम हैं, राव साहब ने जो केंद्र के साथ मिलके जो काम किए हैं, एक तो वो बोल रहे हैं आज। अच्छा। और हमारा जो लोकसभा गुरुग्राम का जो लोकसभा है, इसमें हम थोड़ा सा मेवात के एरिए को छोड़ दें तो बाकी अपनी हर जगह बहुत ही अच्छी हवा है और लोगों में उत्साह है।
राज बब्बर जी सामने कैंडिडेट हैं और जेजेपी से फाजलपुरिया हैं। राज बब्बर जी बूढ़े हो चुके हैं भाई साहब, अब राज बब्बर जी को तो देखो सेल्फी लेने के लिए तो हो सकता है कोई भी चला जाएगा वहाँ पे, लेकिन वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही आएगी। सेल्फी के लिए कोई भी जाए लेकिन वोट आएगी भारतीय जनता पार्टी पे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को सब पसंद कर रहे हैं और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर व्यक्ति एक एक वोट अपनी कमल के फूल पे डालेगा। अच्छा, कितने मतों से जीत मान रहे हैं राव साहब जी? करीब करीब 5 लाख, 5 लाख से। पिछली बार 3,86,000, 3,86,000 से, अब की बार कम से कम 5 अबाव जी। हांजी मैम, क्या स्थिति है यहाँ पर गुड़गांव में आपके हिसाब से? भाजपा ही भाजपा है हर जगह, भाजपा ही भाजपा है, क्योंकि भाजपा ही एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने भारतीयता के भाव को जन्म दिया। पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की जो बात उठी है वो सिर्फ भाजपा पार्टी के कारण ही उठी है। जो आज का युवा है जो कभी भी राजनीति से जुड़ा नहीं था, वो सारा युवा जुड़ा है। आपने देखा है भाजपा के अंदर विभिन्न प्रकार के मोर्चे हैं, सभी चीज़ें हैं और सारे युवा मोर्चा सभी इसके अंदर जुड़ रहे हैं। जुड़ने का कारण ये है कि युवा को भी दिखाई दे रहा है कि हमारा देश का भविष्य जो है वो भाजपा के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि भाजपा ही रहेगी पार्टी और इकलौती ऐसी पार्टी रहेगी जो भारत देश को स्वर्णिम स्थान पर ले जाने में कामयाब। गुड़गांव में फाइट है कि या फिर नहीं है फाइट? यहाँ पे एक तरफा मामला है, क्या लग रहा है गुड़गांव में? गुड़गांव हो, राष्ट्र का कोई भी कोना हो, राष्ट्रवाद को मानने वाला हर कोई भाजपा के साथ है और हर जगह खड़ा रहेगा। और मैं ये मानती हूँ कि जो 1000 साल की गुलामी थी, मैं 1-2 साल की भी नहीं, 1000 साल की गुलामी को तोड़ने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार आगे बढ़ने वाली इकलौती भाजपा सरकार है और इसके अंदर जन जन तक जुड़े हुए। आपने देखा होगा पूरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी यही पार्टी बन रही है, भाजपा ही रहेगी। क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति है? स्थिति बढ़िया है, जितना मोदी को ही चाहिए भाजपा ही जीतेगी, हम सब उनके साथ है, भारत माता की जय, उनके साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस साइड आ जाइए आप यहाँ से। ये भाई अभी हमारे साथ में जो गुड़गांव से प्रभारी साथ में है, सर नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक हो? ठीक है जी। सर चुनाव आ गया, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या स्थिति नजर आ रही है? भाई बिल्कुल लाखों से जीतेंगे, बहुत बढ़िया तैयारी है, सब कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साह में और बढ़ चढ़ के सब काम कर रहे हैं। बीजेपी को एक तरफा वोट मिल रही है हमारे गुड़गांव। राज बब्बर जी सामने हैं और जेजेपी से फाजलपुरिया है, क्या फाइट बनती दिख रही है गुड़गांव में? राज बब्बर तो फिल्म स्टार है, उसे हमारे यहाँ तो कोई जानता नहीं, कांग्रेस ही ना जाने पहले तो वो ही ना जाने उसे तो, और हमारे यहाँ तो कोई आदमी जानता नहीं कहाँ से आया, कहाँ रह रहा है, उसका कहाँ ठिकाना है। राविंदर जी तो पुराने आदमी है, कहीं भी ढूंढोगे दिल्ली रिवाड़ी गुड़गांव कहीं भी ढूंढोगे मिलेगा। अच्छा, कोई और कैंडिडेट होता तो यहाँ पर फाइट बनती, अगर राज बब्बर जी ना होते कोई और कैंडिडेट होते? देखो राव इंद्रजीत के सामने किसी की कोई फाइट नहीं चलती, इधर राव इंद्रजीत को तो कई पहले से जलवा है इस क्षेत्र में और भाई बहुत बढ़िया वोटों से यहाँ से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैप्टन अजय यादव जी पिछली बार थे तो 3,86,000 से जीत के निकले थे राव साहब, इस बार क्या स्थिति लग रही है? अब कप्तान यादव की जहाँ इतनी ये वोट थोड़ी ले लेगा राज बब्बर, कप्तान यादव तो चलो फिर भी हमारे क्षेत्र का रिवाड़ी का है, लेकिन ये इसका तो कहीं अता पता ही नहीं है राज बब्बर का, तो इसको तो बहुत कम वोट मिलेगी हमारे क्षेत्र से, इसको बहुत कम वोट मिलेगी। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या स्थिति है गुरुग्राम में चुनाव? गुड़गांव लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह जी 8 लाख वोटों से जीतेंगे। 8 लाख? हाँ जी, पिछली बार 3,86,000 से जीत के निकले थे, 4 लाख कुछ से जीते थे, 3,86,000 4 लाख की समथिंग। हाँ, इस बार 8 लाख डबल हो जाएगा। हाँ, डबल मार्जिन है। राज बब्बर जी फाइट नहीं देंगे इस बार? राज बब्बर जी तो बाहर से आए, पता ही ना, राज बब्बर जी ने तो कभी आज तक इस फील्ड का पता भी नहीं, पूरी विधानसभा लोकसभा का किसी विधानसभा का गांव के बारे में नहीं पता होगा, मतलब एक तरफा मामला है, एक तरफा मामला है ये चुनाव। कार्यकर्ताओं में जोश है, अभी मीटिंग हो रही थी, कार्यकर्ताओं में तो पूरा जोश है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डेडिकेटेड, हाँ मेहनती है और मेहनत के साथ साथ काम करता है, इसीलिए आप देखना जो हमने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि गुड़गांव लोकसभा 8 लाख वोटों से जीतेंगे। चलो शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ये तो भाई ये यहाँ पर लोगों के विचार हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, चुनाव में 15 दिन बचे हैं लगभग, 25 मई को चुनाव है, 4 जून को नतीजे आएंगे, देखते हैं क्या रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, शुक्रिया सभी का वीडियो देखने का।